नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, चुनाव के नतीजों से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लगाया। आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी सपा शामिल हो गए। तो कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, ऐसे में आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने मयंक जोशी को सदस्यता दिलाई है समाजवादी पार्टी की। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब रीता बहुगुणा जोशी के घर में भी विरोधी पार्टी ने सेंध लगा दी है। यूपी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव के नतीजों से ठीक पहले बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है, जहां सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा की जनसभा में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव ने खुद उनको सपा ज्वाइन कराई है। जौनपुर में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने रोड शो के जरिए जनता से कांग्रेस के पक्ष में समर्थन भी मांगा। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी ने सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के समर्थन में वोट डालने की अपील की है। प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान भारी भीड़ भी देखने को मिली। तो दर्शकों, यूपी चुनाव का आखिरी रण अभी बाकी है, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम ने बनारस के रण में जी जान लगा दी है। तमाम चुनावी रंगों के बीच एक नया चुनावी रंग तब देखने को मिला जब प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। हमारे देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। बनारस को तो एकदम नया कर दिया है इन्होंने। अभी अभी जहाँ जहाँ जाते हैं, अभी कल बिहार से आए आजमगढ़ से, वहाँ देखा कि बिहार में भी इन्हीं का चर्चा लोग कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। हम देखा वह आप ही लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को सब लोग शुभकामना दीजिए कि वो इसी तरह से हमारे समक्ष बने रहें और हमको अपना बंद हस्त हमारे ऊपर रखें। रंग को आज दान देने दो, रंग को आज दान देने दो, आज हुआ है मोदी जी का आगमन, आज आधार पा रहा है मन, क्यों भटकना पड़े तुझे जीवन, मुक्ति को आज दान देने दो। तो मशहूर शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व अध्यक्ष आदर्श नगर पालिका चमन आरा रोहिणी के मतदान केंद्र पर मतदान करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं यह फोटो छठवें चरण यानी 3 मार्च की बताई जा रही है। कन्नौज में जिला अस्पताल के पास बने ट्रॉमा सेंटर में लाखों रुपए की दवाएं और मेडिकल उपकरण कूड़े की तरह फेंक दिए गए। कूड़े की तरह पड़ी हजारों टेबलेट की डेट एक्सपायर हो चुकी है, जबकि हाइपोडार्मिक निडल भी बेकार हो चुकी है। दवाओं के फेंके जाने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार पूरे मामले की नोडल अफसर से जाँच कराकर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इसमें ये देखना है कि ट्रॉमा सेंटर में ये दवाई आई कहाँ से, क्या वो एक्सपायरी थी या किस टाइप की दवाई थी,
किस मर्जी में काम आती हैं, ये सब जांच का विषय मैंने डॉक्टर आला जी को बता दिया है। सर अगर एक्सपायरी दवा होती है तो उसके भी कोई ना कोई आसन होते हैं या वापसी कराने होते हैं? नहीं, अब ये देखना है कि वो जिला अस्पताल की दवाइयाँ हैं या सीएससी पीएससी दवाइयाँ जो ट्रॉमा सेंटर में कैसे पहुँची, ये तो जांच का विषय है ना। ट्रॉमा सेंटर पर दवाई होती नहीं है, जो वहाँ पर जो एम्बुलेंस वाले रहते हैं वहाँ पर दवाई का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो गत्ते वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचे कैसे? कूड़े के ढेर में ये हजारों दवाइयां पड़ी हुई मिली हैं। कन्नौज का ये पूरा मामला है जहां पर सीएमओ ने कहा है कि नोडल अफसर से जांच करवाई जा रही है। तो कन्नौज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कूड़े के ढेर में ये दवाइयां पड़ी मिली हैं, कूड़े की तरह पड़ी हजारों टेबलेट, डेट एक्सपायर हो चुकी है, जबकि हाइपोडर्मिक निडल भी बेकार हो चुकी है। दवाओं के फेंके जाने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि नोडल अफसर से जांच कराकर कार्रवाई की बात की जा रही है। तो कन्नौज के जिला अस्पताल की आपको खबर बता रहे हैं जहां ट्रॉमा सेंटर में लाखों रुपए की दवाएं और मेडिकल उपकरण कूड़े की तरह फेंके गए थे। तो कूड़े की तरह पड़ी हजारों टेबलेट की डेट एक्सपायर हो चुकी है और साथ ही साथ वहां पर निडल भी मिली हैं जो कि बेकार हैं और डेट्स एक्सपायर हैं उनकी। दवाओं के फेंके जाने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ ने सीधे तौर पर कहा है कि नोडल अफसर से बात की है, वो जाँच करवाएंगे। तो इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विनोद कुमार सीएमओ कन्नौज से जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। हाँ बताइए विनोद कुमार जी, क्या मामला है? लाखों की दवाएं कूड़े के ढेर में, ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें अभी हमारे दर्शक देख रहे थे। देखिए जो आपने अभी कहा है ना लाखों की दवाइयाँ, मैंने अपने अभी आज शाम को अपने एडिशनल सीएमओ डॉक्टर आर्या जी को मैंने भेजा था, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर जहाँ पर मुझे शिकायत मिली थी यहाँ पर दवाइयाँ एक्सपायरी दवाइयाँ हैं। तो उन्होंने अभी मुझे फोन करके बताया कि यहाँ पर डाई साइक्लोविन टेबलेट होती है दर्द की, डाई साइक्लोविन टेबलेट उसका एक कार्टून यहाँ पर मिला हुआ है, उसके अलावा वहाँ पर कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ एक दवाई के अलावा। तो कार्टून मिला है तो आपने ये जानने की कोशिश की कि दवाइयां लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, कहीं कहीं तस्वीरें आती है और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में इतनी भारी मात्रा में दवाइयां कचड़े के ढेर में? ये आपने किसने कह दिया? वहाँ पे जो ट्रॉमा, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही आप कह रहे हैं, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है, तस्वीरें स्क्रीन पर है अभी। अब जो भी है वो तो जांच का विषय है ना। जो मैंने अभी शाम को अपने एसीओ को भेजा था, उन्होंने मुझे जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे एक डब्बा था डाइसाइक्लोविन टेबलेट का, अब वो इसका पता करना है कि वो वहाँ पर पहुँचा कैसे है, क्या जो एम्बुलेंस वालों का है या कहाँ से आया, अभी जांच का विषय है। अब जांच इंक्वायरी हो जाएगी तब आपको मैं बता दूंगा। मैं नहीं सर, आप सीएमओ है और स्वास्थ्य महकमा जो आपके अंतर्गत आता है, तो ऐसे में बस आपसे ये जानना चाह रहे थे कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी भारी मात्रा में दवाएं कूड़े के ढेर में पड़ी हुई हैं, तो मालूम होगी ये लापरवाही किसकी है। तो जांच का विषय, जांच के बारे में तो मैं आपको बता पाऊंगा। मैं मुझे आज मालूम पड़ा है, आज मैंने अपने तो आज आपको मालूम पड़ा है, तो इतने लंबे समय से ये कोई एक रात या एक घंटे या एक मिनट का महज का मसला तो है नहीं, नहीं तो काफी लंबे समय से इस तरीके की लापरवाहियां चल रही होंगी जहां दवाइयों को इतना बड़ा ढेर लग गया और उनको फेंकना पड़ा। या तो आप ये कह दीजिए कि इस बीमारी और जिस बीमारी में दवा दी जाती है उस बीमारी से संबंधित कोई बीमार अस्पताल आया ही नहीं तभी ये दवाइयां बच गई, तभी इनको फेंकना पड़ा, आप ये कह दीजिए। ये जो हॉस्पिटल दवाई नहीं मिली, ट्रॉमा सेंटर में मिली हुई, ट्रॉमा सेंटर में जहाँ पे हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर रहते हैं वहाँ पे दवाइयाँ मिली है। अब ये पता करना पड़ेगा कि एम्बुलेंस से दवाई फेंकी गई है या वहाँ पे किसने रखी है, जब तक इंक्वायरी, जब तक मैं आपको बता नहीं पाऊंगा मैं दवाई कहाँ से आई है। ठीक है, खबर कन्नौज से चलकर हमारे पास नोएडा हमारे ब्रॉडकास्टिंग सेंटर तक पहुंच गई। अभी तक आपने प्रथम दृष्टया जो बातचीत की है, जो पूछताछ की है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि किसकी गलती निकल कर सामने आ रही है? नहीं देखिए, तो मैंने अभी इंक्वायरी सेटअप कर दी है अभी शाम को मैंने, है ना, जैसे मेरे शाम को मालूम पड़ा मैं कौन फोन रखा हूँ भेज दिया, मैंने कहा उसका पता कीजिए, उसकी फोटोग्राफ लीजिए, कौन सी दवाई है, उसकी कब की एक्सपायरी है, और ये कहाँ पे आई है, किस बैच की है ये जान। ठीक है, जो आपने थोड़ी बहुत जो अभी तक बातचीत भी की होगी, जो आपने, आप उच्च अधिकारी हैं, आपने बातचीत भी की होगी, तो आपको ये तो पता लगा होगा कि कितने लंबे समय से इस तरीके की प्रक्रिया चल रही थी, कितने लंबे समय से लापरवाही भरे काम चल रहे थे। नहीं, ये तस्वीरें आ गई, ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई तब आप जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन इतने लंबे समय से अगर वो फेंकी जा रही थी और इतनी बड़ी लापरवाही इतनी भारी मात्रा में, अगर उत्तर प्रदेश में तीमारदार बीमार कितनी तस्वीरें आती हैं जहां जिला अस्पताल में भटकते हुए नजर आते हैं, दवाइयां नहीं मिलती, बाहर से दवाइयां लेने पर मजबूर होते हैं,
लेकिन इस तरीके से इतना बड़ा ढेर दवाइयों का, अगर बिना जांच के बिना इंक्वायरी के मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं तो ये आप इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके नाक के नीचे इतना बड़ा ये लापरवाही भरा काम जो होता रहा और इतने बड़ा ढेर, इतनी भारी मात्रा में दवाइयाँ पड़ी मिली हैं जो कि दरअसल एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुकी हैं, और आज तक जिनको ये दवाइयाँ मिलनी थी, जिन तक पहुँचनी थी, उन तक नहीं पहुँच सकी, तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? विनोद कुमार जी, आप भी इसके जिम्मेदार हैं सर? आप पहले सब नहीं, आप अपनी जवाबदेही तय कीजिए सर, आप भी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, आपकी नाक के नीचे अगर इतना बड़ा जवाबदेही तय है, एज ए सीएमओ मैं नोडल हूं, अफसर हूं, मेरी है, लेकिन अब मुझे इंक्वायरी तो करने दीजिए, क्या सच है क्या नहीं है। ठीक है सर, अगर इंक्वायरी होगी जो दोषी है उन पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? जांच तो होगी सर, जांच तो होगी, कोई ना कोई दोषी भी है, जो दोषी होगा उस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, थोड़ा आश्वासन दीजिए, दर्शक आपको देख रहे हैं सर, आपकी बात को सुन रहे हैं सर। भाई जो भी इसमें जांच मुझे देगी उसी हिसाब से, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि छोटे कर्मचारी नपेंगे और बड़े अधिकारी जो इसमें लिप्त होंगे वो बचाने का उनको प्रयास किया जाएगा? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जांच हो और जो भी छोटे से लेकर बड़े अधिकारी से लेकर कर्मचारी जो भी इस पर लिप्त हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो कन्नौज से अभी हमारे साथ सीएमओ जुड़े थे विनोद जी, जो जिनसे बातचीत कर रहे थे, आपको बता दें कि ये बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में दवाइयों का जो ढेर है वो कन्नौज के ट्रॉमा सेंटर में मिला है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इंजेक्शन से लेकर दवाइयां भी पड़ी मिली हैं, एक्सपायरी डेट क्रॉस कर गई हैं। तो आज ये बड़ा सवाल है जो कि सीएमओ से भी हमने पूछा है कि जब बीमार शख्स तक उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों की कोई ये पहली खबर नहीं है, ऐसी हजारों खबरें अखबारों से लेकर टीवी पर तैरती रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब बीमार शख्स तक दवाइयां नहीं पहुंच पाती और वही दवाइयां कचड़े के ढेर में नजर आती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है और उत्तर प्रदेश सरकार को इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कन्नौज में मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। कर्मचारियों को ईमानदारी, सतर्कता और निष्पक्षता से मतगणना कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज सभागार में हुआ, जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर, मतगणना सुपरवाइजर और सहायकों को ट्रेनिंग दी गई। डीएम बोले, कोरोना नियमों के साथ शांतिपूर्वक 10 मार्च को मंडी में मतगणना करवाई जाएगी। आज का प्रशिक्षण मतगणना के लिए हमारे जो मतगणना कार्मिक हैं इनको प्रशिक्षित किया जाना था। इसमें हमारे मतगणना सहायक, मतगणना सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर तीनों लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। अभी तक इनकी ड्यूटी लगी है, अभी सेकंड रैंडमाइजेशन होगा तब इनको विधानसभा पता चलेगी और किस बूथ पे इनको काउंटिंग करनी है वो जानकारी इनको 10 तारीख की सुबह ही मिल पाएगी। सबको प्रशिक्षण की बारीकियों के बारे में बताया गया, क्या क्या सावधानी सबको रखनी है। तो वहीं प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा ढकवा में पोलिंग बूथ में बैठे कर्मचारी की तरफ से फर्जी मतदान करवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मचारी के तत्काल निलंबन की बात भी बताई जा रही है। वहीं न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। तो क्या हर बार इनका कोई ना कोई चोर बाजारी लगा ही रहता है, जनता इनको नकार दिया है, अब इनका कहीं ना कहीं मंशा है कि ABM लूट घसोट ना कर ले, और क्योंकि जनता का दबाव है कि भाई विधायक जी तो सभी नेता ABM की रखवाली करना, BJP वाले चोर हैं, कहीं ABM ना चुरा ले जाएं। तो हमारे जनता के कहने के नाते और जनता का जनाधार हम लोग को मिला इस तरफ उत्तर प्रदेश में भी और कपिलवस्तु विधानसभा में भी, तमाम जनता सुबह से लेकर शाम तक समर्थक हमारे आते जाते रहे, उनके नाते और चोरों के नाते हम बैठे यहाँ पे, कहीं कोई धांधली ना करने पाए। सिद्धार्थनगर में 3 मार्च को मतदान के बाद काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यालय स्थित नवीन मंडी परिसर में स्ट्रांग रूम बनाकर ईवीएम को रखा गया। इन ईवीएम की निगरानी 3 लेयर में की जा रही है, साथ ही CCTV से भी
बराबर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि परिसर में कोई भी नहीं घुस सकता और ना ही सील की हुई ईवीएम से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश है। बावजूद इसके सपा के उम्मीदवार नवीन मंडी परिसर के बाहर टेंट लगाकर रह रहे हैं। हमीरपुर की दो छात्राएं यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान फंसे छात्रों की घर वापसी की भारत सरकार की मुहिम के तहत यूक्रेन में फंसी हमीरपुर की छात्रा प्रतिष्ठा सही सलामत अपने घर पहुंच गई और प्रतिष्ठा के पिता ने डीएम कार्यालय पहुंचकर भारत सरकार का धन्यवाद किया, तो वहीं छात्रा प्रतिष्ठा ने भी भारत सरकार का आभार जताया है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, वहाँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से निकल के यहाँ आने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह के हालात थे वहाँ पे, क्या देखा था आपने, कुछ क्या युद्ध के हालात आपने सामने से फेस किए थे कभी? हाँ, हमेशा सायरन बजता रहता था और बॉम्ब अटैक भी होता था और फाइटर जेट की आवाज़ भी देखा नहीं था, फाइटर जेट पर आवाज़ सुनी थी हॉस्टल के ऊपर से और हॉस्टल के आसपास भी कभी कभी अटैक होता था। और आपके साथ कितने छात्र थे? हम लोग तो वहाँ पर 250 से 300 जन एक साथ बेसमेंट में रुके हुए थे। प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा ढकवा में पोलिंग बूथ में बैठे कर्मचारी की तरफ से फर्जी मतदान करवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मचारी के तत्काल निलंबन की बात भी बताई जा रही है। वहीं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। सिद्धार्थनगर में 3 मार्च को मतदान के बाद काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यालय स्थित नवीन मंडी परिसर में स्ट्रांग रूम बनाकर ईवीएम को रखा गया। इन ईवीएम की निगरानी 3 लेयर में की जा रही है, साथ ही सीसीटीवी से भी बराबर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि परिसर में कोई भी नहीं घुस सकता और ना ही सील की हुई ईवीएम से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश है। बावजूद इसके सपा के उम्मीदवार नवीन मंडी परिसर के बाहर टेंट लगाकर ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। सपा समर्थक शिफ्ट वाइज लगातार यहां ड्यूटी देकर गेट के साथ साथ अंदर परिसर में भी बराबर निगाह बनाए हुए हैं। तो क्या हर बार इनका कोई ना कोई चोर बाजारी लगा ही रहता है, जनता इनको नकार दिया है, अब इनका कहीं ना कहीं मंशा है कि ईवीएम लूट घसोट ना कर लें, और क्योंकि जनता का दबाव है कि भाई विधायक जी और सभी नेता ईवीएम रखवारी करना, बीजेपी वाले चोर हैं, कहीं ईवीएम ना चुराए ले जाएं। तो हमारे जनता के कहने के नाते और जनता का जनाधार हम लोग को मिला इस तरफ उत्तर प्रदेश में भी और कपिलवस्तु विधानसभा में भी, तमाम जनता सुबह से लेकर शाम तक समर्थक हमारे आते जाते रहे, उनके नाते और इन चोरों के नाते हम बैठे यहाँ पे, कहीं कोई धांधली ना करने पाए। वही मेरठ के दौराला रेलवे स्टेशन पर अचानक ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई। गनीमत रही कि यात्रियों ने समय रहते ही ट्रेन से उतरकर अपनी जान बचाई। वहीं इस दौरान स्टेशन के आसपास भी अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया गया है कि दौराला स्टेशन पर सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन के 2 कोच में भीषण आग लग गई। जैसे ही धमाके के साथ कोच से धुआं उठना शुरू हुआ, यात्री कोच से बाहर आने लगे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट होने से कोच में आग लगी है, ऐसा बताया जा रहा है।
प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल और अपर पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्रा और सीओ लालगंज के कुशल नेतृत्व में लालगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने तवंचा दिखाकर ई रिक्शा लूटने वाले लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ घटना में इस्तेमाल किया गया तवंचा और लूटा गई ई रिक्शा भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बरेली के जनकपुरी में बाइक सवार बदमाशों ने एक कपड़ा व्यापारी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम भी लगा दी है। थाना प्रेमनगर के अंतर्गत अब्दुल करीम नाम के व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि चार प्रतिवादीगण, जिसमें आरिफ, अलकाफ, मोहसिन और हसनान, ये चार व्यक्ति हैं, इनके द्वारा इनके ऊपर और इनकी जो मौसरी बहन है उनके ऊपर फायरिंग की गई और इसमें उनसे मारपीट की गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जब पहुँचा गया तो पता चला कि इसमें इस उपरोक्त घटना जो बताई गई वादी के द्वारा, इसमें कोई घायल नहीं है और तुरंत ही उनसे तहरीर लेकर इसमें धारा 307, 504, 506 IPC और 341 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। और प्रारंभिक जो वेशना है उसमें पता चला है कि जो वादी है इस मुकदमे का जो लिखाया गया उसमें वो एक थाना जितनगर पर 78/22 मुकदमा संख्या है, जो धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत दर्ज है। उसमें ये जो नगर थाने में जो वादी है वो उस मुकदमे का अभियुक्त है। फरखाबाद में चोर लगातार बेखौफ होकर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बजरिया का है, जहां पर चोरों ने खाली घर में बीती रात घर का ताला तोड़कर लगभग 8 लाख नकदी समेत अन्य सामान चोरी कर लिया। मकान मालिक को सुबह घर पहुंचने पर चोरी की घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की और चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तो फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में आज इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।